कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में बहुत ही सुंदर अभी फेस टू होने जा रहा है, वहाँ भूमि पूजन होगा। तो मैं सागर भाई आए हुए हैं और गोपाल भाई भी आए हुए हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भूमि पूजन का क्या महत्व है, सागर भैया जरा इस विषय के ऊपर प्रकाश डालें। सभी भक्तों को, भाविकों को हृदय और प्रेम से राधे राधे। सज्जनों, एक बहुत सुंदर मंत्र है वेदों में, महिद्यौः पृथ्वी चन इमं यज्ञं मिमिक्षताम्। अर्थात एक भक्त माँ धरती को प्रार्थना करता है, हे धरती माता, मैं आपका चयन कर रहा हूँ, आप मेरे लिए भाग्यशाली बने और आपकी इस गजभूमि में हमें श्रेष्ठ और उत्तम कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करें। ये मंत्र है भूमि पूजन का, भूमि माता की पूजन के लिए ये मंत्र का प्रयोग किया जाता है। सज्जनों, ये भूमि केवल अन्न उगाने हेतु ही नहीं होती है, अपितु ये भूमि केवल बीज ही नहीं, उसके साथ साथ में उसमें से संस्कार भी उपजते हैं। एक गज भूमि पाने के बाद में व्यक्ति बहुत भाग्यशाली बन जाता है, ऐसा संसार में देखा गया है। और प्रायः लोग कहते भी हैं कि तीन वस्तुएं हमारे जीवन में आने से हमारा भाग्य बदल जाता है। उसमें एक है पत्नी, पत्नी पाने से, पत्नी के आने से पुरुष का भाग्य बिल्कुल बदल जाता है, शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति होती है। दूसरा है संतान। कई चीजें हमारे भाग्य में नहीं होती है, परंतु जब वो संसार संतान के भाग्य में यदि है तो उन संतानों के भाग्य से माता पिता को बहुत कुछ मिलता है। इसलिए देखा जाता है लड़का और लड़की का जन्म हुआ और माता पिता कहाँ से कहाँ चले गए, खूब आगे बढ़ गए। और तीसरी वस्तु, उत्तम वस्तु है, वो है भूमि। चाहे नया व्यापार शुरू करेंगे, नया घर लेंगे या नई जगह कहीं से खरीदी जाएगी, तो यदि वो भूमि उत्तम है, शुभ कारक है, तो उस भूमि से व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला जाता है। इसलिए हमारा सनातन शास्त्र ऐसा कहता है कि जब भी आप भूमि में, जमीन में कोई कार्य शुरू करें, उससे पहले भूमि पूजन करें, माँ धरती को प्रार्थना करें, हे माँ धरती माता, मैं आपके ऊपर घर, व्यापार अथवा भवन का निर्माण कर रहा हूँ, ये परमात्मा इस भवन के द्वारा हमारे भाग्य को उजागर कर दे, हम बहुत आगे बढ़े, ऐसी धरती माता से प्रार्थना की जाती है। और कहा भी गया है ना, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीयाः, हम पृथ्वी के धरती माता के पुत्र है और धरती माता हमारी माँ है, इसलिए माँ संतान को बहुत कुछ देती है। भूमि पूजाएं हमारे सनातन संस्कृति की दिव्य पूजा है। कोई भी भवन जब बनता है तो उस भवन को बनाने से पहले बहुत अच्छे शुभ कार्य किए हुए ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति ही भूमि पूजा के प्रधान यजमान बनता है। पता है क्यों? वो यजमान को भाग्यशाली इसलिए किया गया है क्योंकि जब भूमि में कोई भवन का कार्य शुरू करते हैं तो जो वो यजमान है वो केवल पूजा ही नहीं अपितु अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा को भी उसमें डालता है, उसकी नींव में अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति को रखता है और माँ पृथ्वी से प्रार्थना करता है कि हे धरती माता, हमने हमारी सकारात्मक ऊर्जा को, हमारी भक्ति को, हमारे ज्ञान और वैराग्य को हमने आप में रखा है, यहाँ जो भी भवन बने उस भवन में उत्तम भक्ति का कार्य हो, ज्ञान सब में बांटा जाए और व्यक्ति अपने श्रेष्ठतम उत्तम वस्तु को और अपने श्रेष्ठ लक्ष्य पाए, ऐसी दिव्य प्रार्थना की जाती है। इसलिए ये भूमि पूजा दिव्य और भव्य पूजन होता है। भूमि पूजा करने का आशय दो होते हैं, एक आशय यहाँ जो भी निर्माण कार्य हो उस निर्माण कार्य में कभी कोई बाधा ना आए, सुचारू और सुढंग रूप से वो कार्य शीघ्रता से संपन्न हो, कार्य उत्तम रहे और अच्छे से पूरा हो, एक हेतु ये होता है। और दूसरा ये हेतु होता है कि जो मूल में रखा जाता है वो ही आगे जाके पनप कर बड़ा होता है, इसलिए अच्छे भाग्यशाली व्यक्तियों के द्वारा पहली ईंट रखी जाए, अच्छे भाग्यशाली व्यक्तियों के हाथों से एक उत्तम सिक्के का अथवा कोई पंचरत्न वगैरह धातु का पूजन करके वहाँ रखा जाए तो जिस भाव से और जिस श्रेष्ठ श्रद्धा से वो वस्तु रखी गई है उसका फल, उसकी ऊर्जा पूरे भवन में आएगी, वहाँ बढ़ने वाला, वहाँ रहने वाला, वहाँ कार्य करने वाला एक भक्तिमय बनेगा,
कृष्ण भगवान का उत्तम डिवोटी, उत्तम भक्त बनेगा और वो गुरु परंपरा में चलकर श्रेष्ठ कार्य को करे। इसलिए ये मंदिर में कौशिक भाई ने जैसे बताया उस तारीख को और उसी समय में दिव्य एवं भव्य रूप से भूमि पूजा का आयोजन किया गया है। आप सभी भावी भक्तों एवं भक्ति अनुरागी सभी भाविकों को खूब खूब हृदय से आमंत्रण है, आप जरूर पधारे और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके द्वारा जब वहाँ ईंट रखेंगे, आपके द्वारा जब भूमि पूजा की यजमान बनेंगे, हजारों सैकड़ों वर्ष तक आपके बच्चे आपका परिवार गर्व से कह पाएंगे हमारे माता पिता ने इस भवन की पहली नींव रखी थी, हमारे माता पिता ने इस भवन की भूमि की प्रथम पूजा में सहभागी थे। तो ये गौरवान्वित बनेगा आपका कुल, आपके बच्चे अनेकों जन्म तक उस कार्य से लाभान्वित होते रहेंगे। और विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में लिखा भी गया है, हमारे गुरु जी भी विशेष रूप से कहते हैं कि जब भी व्यक्ति भूमि पूजा में सहभागी बनता है तो वहाँ नवरत्न पंच धातु रखी जाती है। इसके कारण यदि हमारे परिवार में घर में कहीं कोई भी प्रकार की बाधाएं कष्ट पीड़ा यदि कुछ है वहाँ पर वो रखने से हमारा भाग्य और सुखमय एवं समृद्ध बनता है। यदि भूमि पूजा जैसे भव्य एवं दिव्य कार्य में यदि हम सहभागी बनेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, इच्छित वस्तु भी हमें प्राप्ति होगी। तो ये है भूमि पूजा का दिव्य एवं भव्य आयोजन। आप सबसे पुनः एक बार निवेदन है, आप जरूर आइए और इस भूमि पूजा में सहभागी बनकर अपने भाग्य को और चमकाएं। तो यही आयोजन है। और ये पूजा कब है, कैसे करना है, वहाँ पर क्या क्या पूजन होगा, किस रीति से होगा, क्या विधि विधान होगा, किस शास्त्र के अनुसार ये पूरा भूमि पूजन भक्तिमय वातावरण से किया जाएगा, तो उस विषय में हमारे आपके कौशिक भाई हैं। और कौशिक भाई आप बताइए सबको उस दिन क्या होगा, ये कब होगा, कैसे होगा। और धन्यवाद सागर भैया, आपने भूमि पूजन का महत्व बताया। 2 बजे से कार्यक्रम भूमि पूजा का होगा, तो उसमें विशेष करके भगवान राधा कृष्ण भगवान की आज्ञा लेकर, गुरुदेव की आज्ञा लेकर हम लोग यहाँ से कीर्तन गाते हुए जाएंगे। वहाँ जहाँ भूमि पूजन होना है उसी जगह पे षोड़ उपचार से भगवान की पूजा होगी और पुण्य हवाचन की पूजा होगी, माने कलश की, जो हमारे जीवन में पुण्योदय प्राप्त हो इस हेतु से कलश की पूजा होगी और भूमि पूजन भी होगा। उससे पूर्व 5 ईंटों की पूजा होती है, नंदा भद्रा जया रिक्त और पूर्णा, वो 5 ईंटों का पूजन करके सभी आए हुए भक्तगण जो भी यजमान है उनके द्वारा भूमि पूजन होगा। और भूमि पूजा के बाद में वहाँ नींव स्थापित की जाएगी। तो मैं गोपाल भैया से भी निवेदन करूँगा कि नींव के अंदर क्या क्या सामग्री रखी जाए और किस प्रकार से इस कार्यक्रम को या भूमि पूजन को अच्छी तरह से हम लोग ऊर्जावान बना सकते हैं। राधे राधे। इतना अच्छा आयोजन कर रहे मंदिर में, मंदिर के सानिध्य में, तो मुझे लगता है कि सभी लोग आ सकते हैं, कोई लोग ना आ सकते हैं, मगर जो भगवान का नाम लिख कर अंदर रख सकते तो ये कार्य और भी अच्छा बन सकता है। तो कम से कम 1.25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक का नाम जाप लिखना चाहिए, जिसको जो मंत्र आए, जो उस भगवान को मानता है, इष्ट देवता कुल देवता का नाम लिखे। मगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये भगवान का मंदिर है, राधे राधे लिखो। राधे राधे मतलब होता है कि राह दे, भगवान हमें राह दे। तो इस मंत्र का जाप करने से, इस मंत्र जाप लिखकर जितना मंत्र लेखन हो वो सब मंत्र लेखन इसके नीचे रखा जाए तो उसका प्रभाव और भी ज़्यादा हो सकता है। तो जो आ सकता है, नहीं आ सकता है, जैसे लिख सकता है, सब लोग लिख कर यहाँ पर लाएं और गुरु जी के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वो मंत्र जाप हमें इस पूजा में रखकर उसका भी वहाँ पर स्थापन पूजन करना चाहिए, जिससे उसकी और ऊर्जा बढ़ सके। जो लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए, साधना के लिए आए, तो उनको यहाँ शांति मिले और सुख मिले, तो ये भी एक अच्छी सोच है, तो ये भी रखना चाहिए। गोपाल भाई धन्यवाद। तो विशेष यही 2 बजे भूमि पूजा में सभी लोग भक्त आए और विशेष करके मेरा अनुग्रह यही रहेगा कि जो भी अपने घर से नाम वगैरह भगवान का लिख के ला रहे हैं तो अपने अपने परिवार में जितने भी सदस्य हो उनके हाथ से भी थोड़ा थोड़ा नाम लिखवाएं, श्री राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे गोपाल भाई ने सजेस्ट किया कि राधे राधे लिखना चाहिए, या अन्य आपके इष्ट देवता का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन अपने अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके हाथों से थोड़ा थोड़ा नाम लिखाए भगवान का, और जिससे पूरा योगदान पूजन के नींव के अंदर रखा जाएगा। सभी भावी भक्तों से निवेदन, 2 बजे भूमि पूजा में सभी लोग भक्तगण आए। राधे राधे।